हे एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। बारिश में पकौड़े या फिर भजिए खाना सबको बहुत पसंद होती है, इसलिए आज मैं आपके साथ मॉनसून स्पेशल क्रिस्पी करारे मिक्स वेज पकौड़े की रेसिपी शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दे और ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर ले ताकि मेरे हर नए रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो शुरू करते हैं आज की सुपर क्रिस्पी एंड डिलीशियस मिक्स वेज पकौड़े की रेसिपी। सबसे पहले एक बोल में मैं कटे हुए पत्ता गोभी और एक मीडियम साइज के कटे हुए आलू डाल रही हूँ। सारी सब्जियाँ ऐसे स्ट्राइप्स में काटना है। अब इसमें मैं बारीक कटे हुए गाजर और कटे हुए कैप्सिकम डाल रही हूँ। फिर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दो मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज और दो तीन चॉप्ड ग्रीन चिलीज यानी के हरी मिर्ची, एक टेबलस्पून चॉप्ड जिंजर यानी के अदरक और एक टेबलस्पून चॉप्ड लहसुन मैं अब ऐड किया है। मसालों में मैं सबसे पहले डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। फिर इसमें ऐड करना है साबुत जीरा। आप चाहे तो जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। बाइंडिंग के लिए सबसे पहले मैं 5 टेबलस्पून बेसन इसमें डाल रही हूँ। बेसन चम्मच भर के डालना है। फिर इसमें ऐड करें 3 टेबलस्पून मैदा। अब सब कुछ बहुत अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लेना है। मुझे बाइंडिंग एजेंट थोड़ा कम लग रही है तो मैं इसमें और 1 टेबलस्पून मैदा ऐड कर रही हूँ। फिर से सब कुछ एक बार मिक्स कर ले ताकि सब्जी में ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से कोट हो जाए। फिर इसमें थोड़ा सा पानी छिड़क दे और अपने हाथ से थोड़ा सा प्रेस करके इसे मिक्स करना है और इसे एक डो जैसा रेडी करना है। आप इसमें अपने पसंद के कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं या फिर जो सब्जी आपके पास अवेलेबल है आप उसी से ही इसे बना सकते हैं। अब ये पकोड़े का मिक्सचर रेडी हो चुकी है तो इसे ढक के 10 मिनट के लिए सेट होने दे। अब एक कढ़ाई पे मैं रिफाइंड ऑयल डाल के गरम कर रही हूँ। तेल थोड़ा ज्यादा डाले क्योंकि पकोड़े को डीप फ्राई करना है। गरम तेल में पकोड़े का मिक्सचर से ऐसे पोर्शन लेके डालना है। आप इसे बड़े या फिर छोटे साइज के पकोड़े भी बना सकते हैं। मैं मीडियम साइज का बना रही हूँ। एक बैच में 6-7 से ज़्यादा ना डालें। एक साइड से इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई होने दे। ये प्रोसेस होगी हाई फ्लेम पे। अब पकोड़े को पलट दे और दूसरे साइड से भी इसे 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर ले। इस स्टेज में फ्लेम मीडियम रखे ताकि अंदर से ये पकोड़े अच्छे से पक जाए। जब पकोड़े में ऐसे गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब इसे तेल से निकाल लेना है। पकोड़े देखने में बहुत ही डिलीशियस लग रही है और ये बहुत क्रिस्पी भी बनी है। पकोड़े को थोड़ा शेक करके तेल को अच्छी तरह से ऐसे निकाल लेना है। मैं इसे टोमेटो केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे मेयोनीज के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सर्व करने से पहले मैं इसमें थोड़ा सा काला नमक डालना पसंद करती हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब देखिए ये पकोड़े अंदर से बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं और कितनी लच्छेदार दिख रही है। अब इस गर्मा गर्म सुपर क्रिस्पी और डिलीशियस मिक्स वेज पकोड़े को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इंजॉय करें। फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर में भी रूमीज देसी ट्विस्ट के नाम से फॉलो कर सकते हैं। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे और मेरे साथ बने रहे।